अचीव आईएएस द्वारा प्रस्तुत उन सामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है धन्यवाद प्रस्ताव। आइए बात करते हैं इस विषय के बारे में। देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में बहस हुई। आइए देखते हैं ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और इसे ही धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो संसद के सभी सदस्यों को आकर किसी विषय पर चर्चा करने या बहस करने का मौका देना ही धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसको सरकार की पराजय माना जाता है। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। आइए बात करते हैं और किस तरह के प्रस्ताव हमें देखने को मिलते हैं। संसद में सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए जाने वाले प्रमुख प्रस्ताव कुछ इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिन पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। फिर होता है स्थानापन्न प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव तथा संशोधन। उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव मुख्यतः कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कटौती हेतु बुलाए जाते हैं या पेश किए जाते हैं। इसे चार भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती, गिलोटिन प्रस्ताव। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। यदि कोई विशेष प्रकार का अधिकार पारित करना है, जिस पर बहस करनी है या चर्चा जारी करनी है, तो उसके लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। कि सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने है तो कुछ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रस्ताव के रूप में पेश करना ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाता है। और अन्य कहे जाते हैं, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, जैसा कि आप जानते हैं, कई बार सरकार द्वारा, विपक्ष सरकार द्वारा पेश किया जाता है वर्तमान सरकार हेतु। विपक्ष पार्टी द्वारा वर्तमान सरकार को विरोध करने हेतु या उसे नीचे गिराने हेतु या उसकी सत्ता को परिवर्तित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है। उसके बाद में आता है विश्वास प्रस्ताव, जो सामान्यतः एक ही सरकार के जो सदस्य हैं वो जारी करते हैं, जिसमें वे सरकार के प्रति अपनी सहमति को जाहिर किया करते हैं। अगला है निंदा प्रस्ताव, अनियत दिवस, विलंबकारी प्रस्ताव। सो आज हमने डिस्कस किए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में, जो कि संसद में पेश किए जाते हैं। तो आज का हमारा विषय यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और जल्द ही मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।